प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ। साथी पात्र हितग्राहियों के परिवार को मिलेगा हर साल 5 लाख रुपए तक का निशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच। चिकित्सक मरीजों का उपचार सेवा भाव से करें, उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं रहे। स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी से करें और इसका लाभ सभी को मिले। यह बात आज जिला चिकित्सालय परिसर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक पन्नालाल शाक्य ने कही। आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, जिला बीजेपी अध्यक्ष राधेश्याम पारिक, कलेक्टर विजय दत्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नीतू माथुर, अपर कलेक्टर एच के चांदिल, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वाजपेयी, सिविल सर्जन सह अधीक्षक एस पी जैन सहित चिकित्सक गण एवं गणमान्य नागरिक जिला चिकित्सालय में हमला मौजूद रहा। इस योजना अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वेक्षण 2011 के आधार पर चिन्हित परिवार मुख्यमंत्री संबल योजना के पंजीकृत परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पात्रता पर्ची धारक परिवार योजना में शामिल रहेंगे। इसके चलते हितग्राही चिन्हित परिवार एवं निर्धारित सरकारी अथवा निजी चिकित्सालय में जाकर अपना पंजीयन कराएं। पात्र हितग्राही परिवार को योजना अंतर्गत प्रारंभिक जांच के उपरांत निर्धारित पैकेज के अनुसार मुफ्त तथा 10 दिवस तक की दवाइयां दी जाएंगी, जिससे हितग्राही को कोई भी अतिरिक्त खर्च नहीं देना होगा। डॉक्टर पी के शर्मा जी, जिला टीकाकरण अधिकारी, कृपया आए और माननीय इसमें उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं इतना ही बोलता हूँ, धन्यवाद। और अस्पताल और जैसी बीमारी है, अगर जिला अस्पताल में ठीक नहीं हो सकता तो उसके लिए प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज कराने की पात्रता रहेगी और उस बीमारी का इलाज प्राइवेट अस्पताल के अंदर भी किया जाएगा। गुना अस्पताल के अंदर 237 बीमारियों के लिए हमारे यहाँ पर इलाज की सुविधा मौजूद है और सभी विभागों में, चाहे वो सर्जरी हो, स्त्री रोग हो, पीडियाट्रिक्स हो, जनरल मेडिसिन हो, सभी विभागों के अंदर ये सुविधा उपलब्ध रहेगी, का लाभ मिलेगा। और एक खुशी की बात ये, जो मैं पर्चा पढ़ रहा था, जिनको खाद्यान्न पर्ची मिलती है उन परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। मैं तो हमारे दोनों नेताओं भी निरोगी रहे हैं। ये बोधवार पर कोई आज की देन नहीं है, पता नहीं कब किसी ऋषि ने इसका निर्माण किया था। और इस बोधवाक्य के एक एक कदम रखते रखते कभी राम राज्य का निर्माण हुआ, कभी इस देश में धर्म राज्य का निर्माण हुआ। और बीच में कुछ गड़बड़ कैसे हो गई कि हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे और हमने आपस में कोई विचार नहीं किया कि ऐसा क्यों हो गया। उसका मात्र कारण एक ये था, वो आज आपको मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बता देता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि आप इसको हृदय स्वीकार करेंगे, इस पूरे सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है, कोई अदृश्य शक्ति है जो हम देख नहीं पाते। कार्यक्रम में प्रारंभ में अतिथियों द्वारा जिला चिकित्सालय में आयुष कक्ष का लोकार्पण रिबन काटकर किया गया। आयोजित कार्यक्रम में झारखंड रांची से देश के प्रधानमंत्री द्वारा जन आरोग्य योजना की राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण बड़ी LCD पर दिखाया गया। वहीं बारिश के चलते लोग छाता लेकर कार्यक्रम में बैठे रहे, क्योंकि मुख्य अतिथियों के लिए पानी से बचने की व्यवस्था तो की गई थी लेकिन अन्य लोगों के लिए नहीं की गई थी, जिसके कारण कई कुर्सियां खाली पड़ी रही। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में कुछ लाभार्थियों को समस्या हो सकती है और किसी भी जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल है
हर बार कुछ ना कुछ कहकर सुर्खियों में रहने वाले गुना विधायक पन्नालाल चक ने एक बार फिर यह कहकर सबके होश उड़ा दिए कि कुर्सी मिलते ही व्यक्ति उसकी ताकत को खुद के स्वार्थ के लिए उपयोग में लेने लगता है, लोकहित भूल जाता है। जिस मंच पर विधायक महोदय ने ये बात कही वहां सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत निरामय कार्यक्रम का शुभारंभ चल रहा था। समस्या पर है कि विधायक महोदय का ये तीर किसके लिए था, क्योंकि उस समय मंच पर विधायक के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष, बीजेपी जिलाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, कलेक्टर आदि मौजूद थे। संयोग है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, न मैं किसी को डायरेक्शन दे रहा, न मैं कोई उपदेश दे रहा, मैं वो वास्तविक बात बता रहा हूं कि क्या कारण है कि हम पहली पंक्ति में अब तक पहुंच जाना थी। ये देश आज भी बेसिक समस्याओं से जूझ रहा है, उसका मात्र कारण है कि जो जिस कुर्सी में बैठा है उसने अपनी शक्ति नहीं समझी, उसने उस शक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में की है, स्वार्थ के लिए उपयोग में की है। आज तक कर रहे हैं वे लोग, इसको आप सबको पहचानना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित आयुष्मान योजना के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा था। वहीं श्रीराम कॉलोनी निवासी मुल्लालाल सहरिया ने वहां मंच पर पहुंचकर क्षेत्रीय विधायक एवं नगरपालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मंच संचालकों में से किसी ने पुलिस को फोन लगाकर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया। बता दें कि श्रीराम कॉलोनी में रहने वाला ये व्यक्ति नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा और विधायक पन्नालाल शाक्य से काफी नाराज था, जिसके चलते उसने उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। विधायक भी है ना बिल्ली का गुए, और नगर पालिका अध्यक्ष जगह वो अपनी है ना जुगाड़ लगाता है, वो जगह गिर रहा है। आज तक ये जीतने के बाद में अभी तक मेरे पास कभी श्रीराम कॉलोनी में अगर एक दिन गए हो तो उससे जा बता दो। रामचरण सहरिया, श्रीराम कॉलोनी, राधा कृष्ण मंदिर। पर्वराज परशुन पर्व के समापन के अवसर पर निकाली गई विशाल यात्रा। विगत दिनों से चले आ रहे जैन समाज के परशुन पर्व का समापन हो गया, जिसके लिए आज एक विशाल यात्रा निकाली गई जिसमें जैन समाज के सभी लोग मौजूद रहे। यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। बक्सनपुर में बड़े ही धूमधाम से निकाला गया गणपति जी का चल समारोह। आपको बता दें कि बमौरी में मराठा समाज इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाता आ रहा है।
ब्रह्मचर्य के साथ समाप्त हुआ परिवार राज परशुन पर्व का समापन। गांव में निकाली गई मां जिनवाड़ी की शोभा यात्रा। परशुन पर्व के समापन अवसर पर उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस पर धरनावदा में मां जिनवाड़ी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शांति और अहिंसा का संदेश लेकर जैन बंधु नगर के मुख्य मार्गों से निकले। स्थानीय आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर शोभा यात्रा आरंभ हुई, जो सदर बाजार होते हुए पहले हाट चौक पहुंची, जहां पर कलशों की बोली के उपरांत महिलाओं ने कलशों को सिर पर रखकर पुनः जैन मंदिर पहुंची। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अरविंद जैन, आशीष जैन, नरेंद्र कुमार जैन, राकेश जैन, रजत जैन, अंकित जैन आदि उपस्थित थे। हमारे सहयोगी सौरभ जैन की रिपोर्ट। जयस्तंभ चौराहे पर बजरंग दल के द्वारा जलाया गया पाकिस्तान का पुतला। विगत दिवस पाकिस्तान आर्मी द्वारा भारत के सैनिक के अपहरण कर हत्या कर दी गई थी एवं उसके शव को सख्त विक्षत कर दिया गया था, जिसके बाद आज बजरंग दल द्वारा पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। साथ ही कहा कि हमारी सहनशीलता को पाकिस्तान कायरता न समझे। भारतीय सैनिकों का अपमान आतंकी पाकिस्तान कर रहा है, उसको बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। बार बार की गद्दारी को क्यों भारत भूल जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हम कायर नहीं है, हम मानवता की औलाद है। जब जब भारतीय सेना को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, सीमा पे भारतीय सैनिकों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान में के घर में घुसकर जवाब देने का काम करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गुना ने सेना के सम्मान में बजरंग दल मैदान में के तहत यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा आयोजित की गई सदस्यता बैठक। विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के द्वारा आज एक सदस्यता बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्गा वाहिनी के नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई गई और मां शक्ति दुर्गा वाहिनी में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। हम सब लोग घर से बाहर निकलते हैं, पर रोज इतना समय किसी के पास नहीं है, ना पिता के पास और ना भाई के पास जो हमें देखता है। तो हम कोई घटना घर में जाके बोलेंगे भी तो ये सब ये बोलेंगे, या तुम अपना पढ़ाई बंद कर दो या फिर अपना रास्ता चेंज कर दो। हम पढ़ाई भी बंद क्यों करें और रास्ता भी चेंज क्यों करें? जो गलत कर रहे हैं उसको सही करेंगे ना, सही है क्या? नहीं है तो सबसे पहले हम खुद प्रशिक्षण लें और खुद मजबूत बने, इसके बाद सारी समस्या अपने आप हल होगी। कुमारी निर्मला कुशवा दुर्गा वाहिनी प्रांत से, सुनील जी का मध्यवार प्रांत से, मैं विदिशा से आई हूँ। हमारे यहाँ भी दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का एक निश्चिंतक अभियान आया हुआ, उसको लेकर सदस्यता हो रही है, तो जिसमें हमारी नई बहनों जुड़ेंगी सदस्यता में और नए नए कार्यक्रमों को, कुछ कार्यक्रम आए हैं सत्संग की तरफ से, प्रांत की तरफ से, तो वो कार्यक्रम होंगे
और जिनकी हम सदस्यता करेंगे उनको हमें दुर्गा वाहिनी के शस्त्र पूजन और शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में बुलाना है जो नवरात्रि में होता है। इसके ये कार्यक्रम हमारे पूरे मध्य भारत प्रांत में और पूरे विश्व में एक साथ एक समय पर चल रहा है। अभी तो चारों प्रांतों में एक साथ चल रहा है। इसके पहले मैं अभी अशोकनगर बैठक लेके आई हूँ। इसके पहले बरेली रायसेन विदिशा विभाग का हो गया है। अभी अपना गुना विभाग है, अभी अशोकनगर में हो गया, अब गुना में है, अभी एक और राधोगढ़ में भी बैठे हैं। क्या संदेश पहुँचाएंगे आप? यही है कि सदस्यता में जुड़ें, बढ़ें और हमारे जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, रोज घटनाएं घट रही हैं, उनके लिए हम लोग संगठित हों, प्रशिक्षण लें और अपने आप को मजबूत करें और हम अपने समाज को सुरक्षित करें। आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वाधान में आयोजित पेन इंडिया एडवांस मेडिटेशन कोर्स का हुआ समापन। उक्त शिविर विगत 20 तारीख से चल रहा था जिसका आज समापन हो गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक पंड्या दीदी द्वारा लोगों के मन की संचलता को कैसे नियंत्रित किया जाए जिससे वह इधर उधर ना भागे और स्थिर रहे, इसके बारे में बताया गया। चारों हमारे खड़े हो गए कैंडिडेट, तो अंकल को भी खड़ा कर दो साथ। अंकल, भाई अच्छा, अंकल नहीं कर रहा, भाई साहब मत फंसाओ। अध्यात्म की अनुभूति अपने आप में एक विशेष अनुभूति है। चार दिन तक गुना में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतना बेहतरीन अध्यात्म, चार दिन का मौन जो रखा और उसमें कई सारी क्रियाएं की, इस लोक को दैव्य लोक से कनेक्ट करने के लिए ये कोर्स मैं रेकमेंड करूंगा, सभी लोगों को जरूर से जरूर करना चाहिए। इसमें आपको मतलब क्या फीलिंग मतलब लगा चार दिन में? आपने वाइब्रेशन, अंदर की शुद्धि बहुत ज्यादा हुई और मन और मस्तिष्क का जो कॉम्बिनेशन है वो वाकई में शानदार रहा। तो एक सबसे पहले हमारी सुबह उठने की आदत हो गई है, सुबह नहीं उठ पाते थे इसमें, और इसमें एडवांस कोर्स से ये हमारा तीसरा है और इसमें हमें बहुत अच्छे अनुभव मिले हैं कि एक तो अपना की फ्रेशनेस, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है इसमें, और आपको लोगों से मिलते हो, सुबह उठने की आदत हो जाती है, आपको एक रूटीन अच्छा मिल जाता है इसमें, एक्सरसाइज करने का, कुछ भी वेट कम करना हो इस तरह, और नेगेटिव एनर्जी तो बिल्कुल ही, आपको ऐसा लगता है कि इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव थिंकिंग आती है। आर्ट ऑफ लिविंग का चार दिन का एक साइलेंस प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें आपका मन जो बाहर की तरफ रहता है, बाहर लोगों में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, उसको मन को हटा के अपने अंतर्मुखी करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया और ध्यान वगैरह किया जाता है, और इसमें तीन दिन चार दिन हम सबको सुबह से शाम तक हमारे साथ ही रखते हैं, इसमें ध्यान करवाते हैं, कुछ प्रोसेसेस करवाते हैं जिससे मन जो बहिर्मुखी है उसको अंतर्मुखी करने की एक कला है, इसको साइलेंस कोर्स कहते हैं, एडवांस मेडिटेशन कोर्स। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा मणिमाता मंदिर पर लाखों रुपए की राशि का सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया। यह घोषणा विधायक ने 6 माह पहले की थी। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में ग्रामीण एवं कांग्रेस सहित समस्त लोग उपस्थित रहे। बता दें कि पहले किसी भी प्रकार का भंडारा या कथा करने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। अब सामुदायिक भवन बन जाने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।